बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस साइदा इफ्तिखार एंड विद अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू द एवोगैड्रो नंबर एंड द मोल। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन बाय दीज ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट यूनिट्स एंड दीज ऑल आर काउंटिंग यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, डजन ऑफ एग्स, डजन ऑफ बनाना and pair of shoes and pair of socks and ream of papers. So what's the number, what is the number comes in your mind when we talk about the dozen? Yes, 12 for dozen. जब भी dozen की बात आएगी तो आपके जहन में आएगा 12, और जब pair की बात आती है तो आपके जहन में आता है 2, और जब मैं बात करती हूँ ream of paper, एक bundle में एक pile में कितने paper होंगे तो आपके जहन में आते हैं 12, 500, 500, ठीक है। अब जो है वो इसी तरह से हम कुछ चीजें जो है वो इन काउंट करके नहीं बाय करते, ठीक है। मार्केट से हम जब लेते हैं उनको काउंट नहीं करते, बल्कि इनको मेजर किया जा सकता है। उनके क्या यूनिट होते हैं? लीटर्स, ऑयल एंड मिल्क लीटर में लेते हैं, सॉल्ट और सॉलिड चीजें जो है वो ग्राम किलोग्राम में लेते हैं। तो ये सब हम मास और वॉल्यूम और काउंट करके हम भी डिफरेंट सब्सटेंसेस के हम जो है वो यूनिट डिफरेंट यूज कर रहे हैं इनको मेजर करने के लिए, इनको काउंट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा, तो वो आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि मोल है। फॉर एग्जाम्पल, काउंटिंग यूनिट कौन कौन से हैं? डजन है, पेयर, ठीक है। और मेजरिंग यूनिट कौन से हैं? लीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा, मोल है। और सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस तो डिफरेंट चीजें सब्सटेंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम भी सब्सटेंस है, आयन भी सब्सटेंस है। और सब्सटेंस क्या है? और सब्सटेंस आपके फॉर्मूला यूनिट, कोई सॉल्ट है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उनके जब भी अमाउंट फाइंड आउट करना होगा तो उसकी यूनिट होगी मोल। और आज हम बात मोल की ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जो है अब आपके सामने ह्यूज पाइल राइस का नजर आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि इसको काउंटिंग यूनिट में आप इसको मेजर करें, काउंटिंग यूनिट आपने, और बताएं हाउ मैनी राइस ग्रेन्स ऑफ राइस आर देयर इन दिस पाइल, तो आप सब कैसे काउंट करोगे? आप कहोगे इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की, और वो क्या है, उन्होंने ये कहा कि ये 1 मोल होगा। इसी तरह अगर ये कहें कि वट टाइम विल रिक्वायर फॉर काउंटिंग ऑफ दीज पाइल ऑफ कॉइन्स, तो ये तो आप कहेंगे कि तो हमारा पूरा टाइम लग जाएगा, बहुत दिन लग जाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे साइंटिस्ट ने दिया, और हम जो है उनका आपके सामने पिक्चर शेयर कर रहे हैं। उनका नाम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन हम इसको शॉर्ट याद रखते हैं। और वो क्या है? रोमेनो एमिडियो कार्लो अवोगैड्रो। फिर आप इसे कितना याद करें, अवोगैड्रो, ठीक है। और यही इसी इन्होंने ही जो है बताया कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि 1 जो पाइल है उसका 1 मोल जो है वो होगा, पाइल मीन्स पाइल ऑफ राइस, पाइल ऑफ कॉइन्स का 1 मोल होगा 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स। यानी कि 1 मोल अगर हम कहें कि पूरी पाइल जो थी कॉइन्स की वो 1 मोल है, तो उसमें कितने कॉइन्स है? 6.02 × 10²³ कॉइन्स। और राइस कितने हैं 1 पाइल में? 6.02 × 10²³ राइस। अगर हम ये एक बड़ी ऑब्जेक्ट है राइस और कॉइन, इसलिए ये नंबर भी बहुत ह्यूज है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको जो है बहुत टाइम लग जाएगा, या वो इम्पॉसिबल नजर आ रहा है और बहुत बड़ी ह्यूज पाइल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम इतना छोटा है कि उसके पार्टिकल, अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा एटम जो है वो आयरन का एक छोटा सा पीस है, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम होंगे। तो वो फिर भी अगर हम उसको जो है काउंट करेंगे तो वो छोटा ही रहेगा, और वो जो है वो उसका मास ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनकी बड़े ऑब्जेक्ट्स के जो मोल की बात करेंगे तो उनका मास जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखिए कि कितना ह्यूज नंबर है, 1 मोल पाइल ऑफ कॉइन्स 6.02 × 10²³ कॉइन्स। और ये नंबर है हेक्सिलियंस, कितने जीरो हैं? काउंट करें आप जरा, तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ ह्यूज नंबर, और ये पूरी हमारी जो है अर्थ को कवर कर लेंगे, इतने कॉइन्स होंगे, ठीक है। लेकिन एटम में जो छोटे यूनिट, क्योंकि छोटा यूनिट है, अगर हम इसको छोटी चीजों में यूनिट है तो क्या हो जाएगा कि ये जो है वो हम उसी में उनके लिए कर सकते हैं, उनका मास भी कम होगा। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अवोगैड्रो नंबर?
द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट्स विच इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। इनके कोई सा भी सब्सटेंस हो, ठीक है ना, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फॉर्मूला यूनिट हो, फॉर्मूला यूनिट किसका बेसिक होता है, सॉल्ट का, तो उनमें हमारे पास पार्टिकल कितने होंगे, 6.02 × 10²³। तो ये जो है वो हमारी सारी प्रॉब्लम एवोगैड्रो ने सॉल्व की, और इन्होंने यही एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमिन किया, जिससे हम जो है रिलेशन निकालते हैं एवोगैड्रो का और मोल का। स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस जो है वो हम किस किस का अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक्चुअली दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट। अगर मैं कहूँ कि आप जो है वो 1 मोल जो है वो आयरन का 1 मोल मास कितना होगा या 1 मोल कितना होगा, आप इसको मेजर करें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे पास तो कोई ऐसा वेट नहीं है, कोई ऐसा मास नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, कोई लैब में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम मोल डिटरमिन करें। तो एक्चुअली मैं बता चुके हैं, जिससे प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, ग्राम में करेंगे, कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट है, इसमें एटम्स जो है वो हमने काउंट करने हैं, ये इनका हमने बताना है कि कितने एटम है। मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्वाइन होकर आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं, और सॉल्ट जो है वो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका जो बेसिक होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट, और वो फॉर्मूला यूनिट ज्वाइन होकर सॉल्ट बनाएंगे। अब हम आते हैं इनके जो है मोल्स की तरफ, ठीक है, हमने डिफाइन किया था अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, एटम के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट के भी होते हैं। तो जो भी हमने तीनों चीजें की, एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, इनके हम क्या करेंगे, इनके हम मोल में, इनको मोल का और वगैरह का रिलेशन निकाल देंगे। कैसे कि अगर ये कार्बन का फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है, अगर हम ये कार्बन कह लेते हैं इसको, तो इसका जो मास है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास है 12, ठीक है, लेकिन हम ये एटॉमिक एएमयू स्मॉल यूनिट है एटम के लिए, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक ठीक है ना, इसको हम वे नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में कर लिख देते हैं, ग्राम में खुद ही लिख देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम इसको बैलेंस पे या हम इसको जो है वो मेजर कर सकें, 12 ग्राम हो गया। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर में कितना होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 AMU, अगर इसको ग्राम में करेंगे तो 18 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड सॉल्ट की, तो हमने क्लास में भी स्कूल में हमने किया था कि सॉल्ट का फॉर्मूला यूनिट यानी कि फॉर्मूला मास कितना होता है, 58.5 AMU, लेकिन ये हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम AMU को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में लिख देंगे, अब हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कार्बन का जो मास है वो कितना आया, 12 ग्राम, ठीक है, और वाटर का कितना आया, 18 ग्राम, सॉल्ट का कितना है, 58.5 ग्राम। तो ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये सब के सब, इनको हम 1 मोल कह सकते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन में, ये 1 मोल है, जब भी 1 मोल की बात होगी, किसी भी सब्सटेंस की बात होगी, तो एक ही नंबर जहन में आएगा, और वो कौन सा होगा, 6.02 × 10²³ एटम्स हैं इसमें, लेकिन अभी हमने मास निकाला था, ठीक है, वो भी बात बात करते, तो वाटर का जो मोल था 1 मोल, उसमें कितने होंगे, वही 6.02 × 10², क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया, हमने बता दिया, एवोगैड्रो ने बता दिया कि हर सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे फॉर्मूला यूनिट हो, आयन हो, उसकी 1 मोल में 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फॉर्मूला यूनिट हो, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अभी हम बताते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने 6.02 × 10²³ एटम तो होंगे, लेकिन मास उसका कितना होगा, 12 ग्राम, वाटर का मास कितना होगा, 18 ग्राम, ठीक है, और जो है वो सॉल्ट का कितना होगा, 58.5। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये रिलेशन आ गया, ठीक है, एवोगैड्रो और मोल का रिलेशन कैसे आया।
वन मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 × 10²³ एटम्स एंड इट कंटेन 12 ग्राम। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 6.02 × 10²³ एटम्स एंड विच इज इक्वल टू 1 मोल। 18 ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.02 × 10²³ एंड 58.5 ग्राम ऑफ फॉर्मुला यूनिट कंटेन ऑफ NaCl कंटेन 6.02 × 10²³ ऑफ तो दिस इज अ रिलेशन। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन 6.02 × 10²³ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन 1 मोल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास व्हेन वी रिप्रेजेंट इन ग्राम। सो व्हाट इज द मास ऑफ 6.02 × 10²³ एटम ऑफ कार्बन? यस इट इज 12 ग्राम। एंड इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए कार्बन एटम इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास? यस विच इज 12 ग्राम। हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल्स ऑफ वाटर? यस 2 × 6 Na एंड विच इज 12.044 × 10²³। एंड वट इज द मास ऑफ 3 मोल ऑफ NaCl? दिस 3 × 58.5 विच इज इक्वल टू 175.5 ग्राम। ओके नाउ स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड अल्लाह हाफिज।